हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल तो गाइज मैं यहाँ पे एक थाई ड्रामा एक्सप्लेन कर रही थी जिसके ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पांच पार्ट एक्सप्लेन कर दिए हैं और ये सिक्स पार्ट यहाँ पे रहने वाला है ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है गाइज़ और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यहाँ पर मुझे मोटिवेशन मिले और आपको टाइमली वीडियोज़ यहाँ पर मिलती रहें और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं गाइज हमें यहाँ पे सिक्स पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो विन होता है वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है आपने अगर लास्ट पार्ट में देखा होगा तो आपको पता होगा कि पी नॉर्च्यून टेलर ने विन को यहाँ पे श्राप वगैरह दे दिया था और ऊपर से पैट उसे और ज्यादा डराने का यहाँ पे काम कर देती है वो रात को मास्क वास्क लगा करके नीचे स्टेयर से उतर रही होती है और विन यहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है सीन चेंज होता है नेक्स्ट सीन में ये दोनों रूम में बैठे हुए दिखाए जाते हैं और विन कहता है कि तुम मुझे डराने की प्लानिंग करके ही आई थी ना यहाँ पे तो पैट कहती है कि पहले अपनी शक्ल देखो कितना ज्यादा डर गया और मुझे तुम्हें डराने की क्या जरूरत पड़ेगी तुम पहले से ही इतना रहे हुए हो। उसके बाद पैट कहती है कि मैं तो यहाँ पे रात को पूजा करने आई थी तो यहाँ पे विन कहती थी रात को किसकी पूजा करने आई थी तो वो बोलती है कि मैं यहाँ पे रात को चांद की पूजा करने के लिए आई तो विन यहाँ पे उसका मजाक बनाने लगता है उसके बाद पैट यहाँ पे कहती है कि तुम्हें क्या पता तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा ईजी है ना मेरी लाइफ की तरह टफ नहीं है ना तो यहाँ पे विन कहते हैं मेरी लाइफ ईजी नहीं है मेरी लाइफ भी बहुत ज्यादा टफ है तो बोलती है तुम्हें किस बात की तकलीफ है वो बोलता है मुझे डायरेक्टर बनना है ना और कोई मेरी स्क्रिप्ट वगैरह सुनता नहीं है तो पैट यहाँ पे चढ़ जाती है उसके ऊपर कहती है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट सुनेगा भी कौन इतनी बकवास स्क्रिप्ट वगैरह उसकी बहुत ज्यादा बुराई कर देती है तो यहाँ पे विन भी शांत नहीं रहता वो भी कह देता है कि कम से कम मैं मेहनत करता हूँ तुम्हारी तरह फॉर्चून टेलर वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है फिर पैट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है वो कहती है कि मैं सिर्फ ऐसे ही फॉर्चून टेलर के पास नहीं जाती हूँ कि मेरा यहाँ पे कोई दुख सुनने वाला है नहीं इसीलिए मैं फॉर्चून टेलर के पास जाती हूँ सो तो दैट यहाँ पे कि मेरे मन की बढ़ा उतर पाया मेरा मन हल्का होता है यहाँ पे मेरे पास कोई भी नहीं है मेरी बातें सुनने के लिए तो विन यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है उसके बाद कहता है ना वो देखो उधर इशारा करता है वो उसको उसकी शेडो यहाँ पे दिखा रहा होता है और कहता है तुम्हारे पास तुम्हारी शेड है ना तुम्हारी बातें सुनने के लिए उसके बाद पीछे से उसको सहरारा होता है ता, उसके सिर के ऊपर हाथ रख करके अच्छे तरीके से बहुत ज्यादा अच्छा सीन होता है यहाँ पे और कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स से ज्यादा तुम्हारा कोई भी अच्छा नहीं हो सकता तुम्हारी और ज्यादा बातें सुनने के लिए विन पे। के इस एक्शन से पैट काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही होती है विन की तरफ और यहाँ पे जो पैट होती है वो भी सेम विन की तरह यहाँ पे करती है विन के पीछे हाथ फिराती है और कहती है कि तुम भी एक बहुत अच्छे डायरेक्टर यहाँ पे बन जाओगे फिर विन पैट को यहाँ पे काफी ज्यादा अलग तरीके से देख रहा होता है तो जो पैट होती है वो थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है और वो कहती है कि अब मुझे यहाँ पे सोने के लिए जाना है नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे प्ली को दिखाया जाता है वो फोन के साथ कुछ यहाँ पे डिस्कस कर रही होती है ऑफिस से रिलेटेड अपने और उसके बाद यहाँ पे जो वैंग होता है वो आता है और इनको देखता है कि ये लोग कुछ फेस्टिवल वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो पूछता है कि मैं भी तुम लोग की हेल्प करूँ तो यहाँ पे फोन बोलता है कि हाँ हाँ तुम हमारी हेल्प कर दो उसके बाद ये लोग मिलकर कुछ टोपी टाइप वगैरह बना रहे होते हैं फेस्टिवल के लिए और यहाँ पर जो फोन बोलता है कि तुम लोग साथ में कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं एक दूसरे को देख के थोड़े से ऑकवर्ड हो जाते हैं फिर यहाँ पे जो वैंग वो प्ली को देख करके स्माइल कर रहा होता है उसके बाद यहाँ पे जो प्ली होती है वो उसके रिचुअल के हिसाब से कुछ यहाँ पे वैंग के नखून वगैरह काट के स्टोपी में रख के दिखा रही होती है कि इससे निगेटिविटी दूर होती है इन शॉर्ट ये सीन काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा होता है उसके बाद पे सेम वैंग भी करता है वो भी यहाँ पे प्ली के जो नेल्स वगैरह है वो कट करके यहाँ पे दिखाता है ऐसे ही इस नेल कट करने वाले सीन पे यहाँ पे जब उसने उसका हाथ पकड़ा होता है तो यहाँ पे सामने से जो विन होता है वो देख लेता है इन्हें और कहता है ये ये क्या कर रहे हो तुम लोग तो यहाँ पे जो वैंग होता है वो कहते हैं हम लोग ये फेस्टिवल की यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं प्ली मुझे सिखा रही है कि कैसे नेगेटिविटी यहाँ पे दूर करते हैं उसके बाद कहता है प्रिपरेशन ही कर रहे हो ना फेस्टिवल की और कुछ तो नहीं कर रहे हो ना तो यहाँ पे कहते हैं हाँ बाबा हाँ भाई प्रिपरेशन ही कर रहे हैं हम फिर वो यहाँ से विन चला जाता है सीन भी यहाँ पे ये कट होता है नेक्स्ट सीन काफ़ी ज़्यादा फनी होता है जो विन होता है वो पैट के रूम के बाहर कान लगा के सुन रहा होता है क्योंकि उसे ऐसी गलत फहमी हो जाती है कि पैट यहाँ पे किसी लड़के वगैरह से कुछ फेवर लेने वाली है और उसके साथ कहीं रात को बाहर जाने वाली है इतनी देर में पैट बाहर आ जाती है रूम से और कहती है कि तुम यहाँ पे कान लगाकर मेरे रूम के बाहर क्या सुन रहे थे तो विन कहता है तो मैं जो भी सुनना था पहले तुम ये बताओ तुम कहाँ बाहर जाने वाली हो और किस लड़के के साथ तो यहाँ पे पैट बोलती है कि मैं कहीं भी बाहर जाऊँ उससे तुम्हें क्या यह मेरी पर्सनल लाइफ है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी बिकाइज इस सीन पर जो विन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पजेसिव हो रहा होता है यहाँ पे पैट को लेकर आगे सीन हमें यहाँ पे रात का दिखाया जाता है जो पैट होती है वो चुपकी उसी काम के लिए बाहर जा रही होती है और यहाँ पे जो विन होता है वो नजर रख के उसके ऊपर बैठा होता है जैसे कि उसका वो बॉयफ्रेंड हो और वो उसको यहाँ पे रोकता है ए पैट कहां जा रही हो तुम और ये बॉक्स लेकर के कहा जा रही हो तो यहाँ पे पैट होती है कि तुम्हें सुबह भी बताया था ना मैं कहीं भी जाऊँगी मेरी पर्सनल लाइफ है तुम इसमें ज्यादा इंटरफेयर क्यों कर रहे हो उसके बाद यहाँ पे जो विन होता है वो उसको यहाँ पे रोक लेता है और बिल्कुल अलग अलग तरीके से रोक रहा होता है उसे जान ही नहीं देता तो यहाँ पे जो पैट होती है वो भी बड़ी चलाक होती है वो लेती है डब्बा सिर पे मारती है विन के और यहाँ से निकल जाती है आगे पैट यहाँ पे भाग रही होती है के चुपके नजरों से वैंग और प्ली की और उधर से पीछे से विन भी बाहर निकल के आता है तो यहाँ पे जो वैंग और प्ली होते हैं वो कहते हैं तुम चल नहीं रहे हैं हमारे साथ फेस्टिवल पे तो यहाँ पे जो विन होता है वो कहते हैं तुम लोग जाओ मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर बाद अभी नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो पैट होती है वो एक सुनसान सी जगह पे आ गई होती है और उसका पीछा पीछा करते हुए यहाँ पे जो विन है वो भी वहाँ पे पहुंच जाता है अभी विन पे प्ली को मैसेज करके कह देता है कि मैं फेस्टिवल में नहीं तो मेरे बिना ही जो वो बोट है उसको यहाँ पे बहा लो यहाँ पे प्ली को गलत हो जाती है कि जो विन है वो पैट के साथ है और वो पैट के साथ यहाँ पे फेस्टिवल में जो बोट वगैरह है वो यहाँ पे बहा देगा प्ली को ऐसे लगता है कि जो विन है वो पैट को लाइक करता है इसलिए वो उसी के साथ ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करेगा साथ ही का जैसा माना जाता है इस फेस्टिवल में कि जो दो लोग एक साथ बोट बहा

ये बेब और कहता है वैसे इस लड़की का फिगर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है उसके बाद कहता है पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ उसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है जो पैट होती है वो डांस करते करते दो कैंडल लेती है और वो अपनी कमर पर बड़ी तेज से यहाँ पे चुवा लेती है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कूदने लगती है उधर से विन भी घबरा जाता है और भागता है उसकी तरफ और वो सारी कैंडल वगैरह बुझाने लगता है और बुझाते बुझाते वो क्या होता है जो बॉक्स होता है ना वो गलती से उससे यहाँ पे पानी में गिर जाता है अब पैट यहाँ पे चिल्लाने लगती है विन पे कि तुम कहाँ से आ गए तुमने ये क्या कर दिया तो विन भी इधर उधर नहीं देखता सीधे पानी के अंदर जंप लगा देता है तो यहाँ पे पैट कहती है कि तुमने क्या किया तुम कूद क्यों गए कूद क्यों गए इसके बाद जो यहाँ पे पैट होती है वो विन को बाहर निकालती है पानी से जैसे तैसे कर करके उसके बाद कहती है तुम इस डिब्बे के लिए कूद देते ना देखो तो सही इसके अंदर है क्या तो वो देख खोलती है डिब्बा तो उसके बाद दिखाया जाता है कि उसके अंदर यहाँ पे ना ईल होती है सांप के जैसे दिखने वाला एक जानवर तो उसे देख करके यहाँ पे जो हमारा विन होता है वो डर जाता है नेक्स्ट सीन में यहाँ पे विन पैट से पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या करने आई थी तो यहाँ पैट पे बोलती है कि मैं ये रिचुअल वगैरह परफॉर्म करने आई थी तो विन कहता है कि तुम पागल हो इतनी रात को यहाँ पे ये करने के लिए आई थी तो यहाँ पे विल पेट पूछती है विन से कि तुम यहां पे क्या करने आए थे बोला मेरे को तुम्हारी चिंता हो रही थी मैंने तुम्हारे उस दिन रूम में सुना था ना इसलिए मेरे को तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैं यहाँ आया था तुम्हारे पीछे पीछे तो यहाँ पे जो पेट होती है उसको देखने लगती कहती है तुम मेरी वजह से यहाँ पे आए बोले गलत फैमिली में मत रहो तो बस ऐसी तुम्हारी चिंता हो रही थी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो प्लीयर वैंग होते हैं वो भी यहाँ पे रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं वो जो बोट टाइप की होती है उसको यहाँ पे नदी वगैरह में बहा रहे होते हैं आगे यहाँ पे जो फायर वर्क स्टार्ट हो जाता है तो प्ली देख के फायर वर्कस को कहती है कि कितना ज्यादा खूबसूरत है दूसरी तरफ वैंग प्ली को देख के कह रहा होता है हाँ वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो प्ली एकदम से टर्न होती है यहाँ पे उसके बाद वो कहती है कि उस दिन जब रात को मैंने तुम्हें प्रपोज किया था और तुमने मेरे को रिजेक्ट कर दिया था तो मुझे ऐसे लगा था कि अब तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे लेकिन मैं तुम तुम भले ही किसी और से प्यार करते हो अभी लेकिन मैं एक दिन तुम्हें अपने आप से प्यार करवा के ही रहूँगी यहाँ पे तो वो ये सब कह के जारी होती है उधर से जो वैंग होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि फुन ने कहा था कि जो दो लोग एक साथ बोट बहाते हैं वो यहाँ पे कपल वगैरह बन जाते हैं तो नहीं जाता है कुछ भी हो, ये दोनों काफी क्यूट लगते हैं साथ में आपको ये दोनों की जोड़ी कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगले सीन में जो विन होता है वो रिचुअल परफॉर्म करने के लिए अपनी कार की डिक्की से यहाँ पे कोई दो पुरानी ब्रेड वगैरह लेके आया था वो खा के दिखा रहा होता है पेट को हम फिशेस को यहाँ पे खिला सकते हैं उसके बाद ये लोग भी ब्रेड ट के ऊपर कैंडल वगैरह लगा करके रिचुअल वगैरह यहाँ पे परफॉर्म करते हैं पहले यहाँ पे जो विन होता है वो बहाता है उस ब्राइड को उसके बाद यहाँ पे वो मदद करता है यहाँ पे पैट की बहाने के लिए इनडायरेक्टली ये दोनों भी यहाँ पे साथ में बोट बहा देते हैं और ये सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है किस किस को यहाँ पे प्ली और वैंग की जोड़ी से ज़्यादा पैट और विन की जोड़ी पसंद है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्योंकि मुझे तो ये दोनों काफी ज्यादा क्यूट लगते हैं और काफी ज्यादा क्यूट क्यूट सीन यहाँ पे चल रहे होते हैं नेक्स्ट सीन में यहाँ पे पैट को ठंड लग रही होती है जो यहाँ पे विन होता है वो अपना जो उसने स्टॉल वगैरह उड़ा होता है यहाँ पे वो पैट को यहाँ पे उड़ा देता है उसके बाद काफी अलग तरीके से ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं ऐसे लगता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा अगले सीन में हमें यहाँ पे प्लेयर वैंग दिखाए गए होते हैं वो लोग यहाँ पे खाना वाना खाने गए होते हैं रेस्टोरेंट में तो एक लड़की आती है और वो वैंग को देख के कह रही होती है अरे आप तो वही है ना आप तो वही है ना तो प्लीज पूछती है कौन है ना तो वो उसको वीडियो वगैरह

यहाँ पे हंसने लगती है काफी ज्यादा तो उसके बाद यहाँ पे प्ली कहती है हंसने की बात नहीं है तुमने उसकी बिना परमिशन के वीडियो कैसे वायरल की तो यहाँ पे विन कहता है अच्छा ही हुआ ना इससे वो फेमस हो गया उसकी मॉम को उसको ढूंढने में आसानी रहेगी तो अब इस इससे प्ली के दिमाग में एक आइडिया आता है कि बात तो सही कह रहे हैं विन यहाँ पे तो वो कहती है एक काम करते हैं हम ऐसी और फनी वीडियोस बनाएंगे जिससे हम चारों का फ़ायदा होगा तो ये लोग पूछते हैं कैसे तो यहाँ पे प्ली बता दी है कि एक काम करना पैट तुम स्क्रिप्ट लिखना फ़नी वीडियोस की तुम डायरेक्ट करना वेन उसे और यहाँ पे वेंग तुम एक्टिंग करना और मैं यहाँ पे गेस्ट हाउस तुमको दूंगी फ्री में इसको यूज़ करने के लिए और हम चारों का यहाँ पे काम हो जाएगा देखो तुम्हें डायरेक्टिंग करने को मिल जाएगी तुम्हें यहाँ पे ब्लॉग लिखती हूँ ना तुम्हारा यहाँ पे स्क्रिप्ट वगैरह तुम लिख लोगी तुम्हारी मॉम तुम्हें मिल जाएंगी और मेरा गेस्ट हाउस फेमस हो जाएगा तो ये सभी लोग इस प्लान के ऊपर पे एग्री हो जाते हैं अगले सीन में यहां पे जो विन होता है वो अपनी मॉम को कॉल करके बता कि बताया फनी वीडियो वायरल हो गई है और हम ऐसे ऐसे करके और वीडियो यहाँ पे बनाने वाले हैं वो बात करते करते उसको यहाँ पे खांसी वगैरह आ रही होती है तो उसकी मॉम कहती है तुम्हारी तबीयत सही नहीं है क्या बेटा तुमने दवाई वगैरह ली तो वे कहते ठीक है, है मेरी तबीयत मेरे को कोई दवाई वगैरह की यहाँ पे जरूरत है नहीं अगले सीन में हमें यहाँ पैट दिखाई जाती है जो अलग ही टेंजेंट पे यहाँ पे ब्लश कर रही होती है और खाबों में खोई हुई होती है विन के जो विन ने आज उनकी हेल्प की थी वहाँ उनके पीछे पीछे गया था वो ही सब बार बार सोच रही होती है और अलग ही टेंजेंट पे यहाँ पे ब्लश वगैरह कर रही होती है दूसरे रूम से उसे विन के खांसने की आवाज़ें आती है तो वो उठ के जाके चेक करती है वहाँ पे उसका डोर वगैरह खटखट आती है लेकिन विन वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता तो वो अंदर चली जाती है फिर उसके रूम में वो वहाँ जाके देखती है कि विन की तो बुरी हालत है उसको तो बुखार वगैरह यहाँ पे आया हुआ है फिर वो विन से कहती है कि तुम्हें तो बुखार वगैरह आया हुआ है तो वो उसको दवाई वगैरह देती है उठा करके फिर उसकी बॉडी वगैरह यहाँ पे वाइप करने लगती है तो उसके बाद विन कहता है कि रुको रुको वो अपनी भदिया उतार देता है और कहता है अब अच्छे से हो जाएगा अभी उसको यहाँ पे एम्बेरसमेंट हो रहा होता है पैट को फुल ऑन वो यहाँ पे कहती है कि तुम्हारी हालत बेकार है लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ मजाक करने से कभी भी तुम ना बाज़ नहीं मानोगे इसके बाद पैट पूरी रात बैठ करके वहाँ पे उसको वाइप ही कर रही होती है और यहाँ पे जो विन होता है वो भी उसको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे देख वेख रहा होता है और इसी के साथ यहाँ पे जो सीन होता है वो चेंज कर दिया जाता है अभी नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे वैंग ने प्ली के लिए कुछ खाने के लिए बनाया होता है वो उसको यहाँ पे टेस्ट वगैरह करा रहा होता है तो प्ली कहती है कि बढ़िया है उसके बाद कहती है कि विन और पैट का है अभी भी सो रहे हैं इतनी देर से तो फिर वो उनके रूम में जाकर के चेक करने को कहती है कि देख के आती हूँ विन को उठाती हूँ कि इतनी देर हो गई वो क्यों सो रहा है फिर विन के रूम का सीन दिखाया जाता है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बड़े आराम से यहाँ पे सो रहे होते हैं और उसके बाद यहाँ पे जब ये दोनों पहुँचते हैं वैंग और प्ली तो ये दोनों एकदम घबरा के उठते हैं और कहते हैं कि अरे ये क्या हुआ और वो ना उसके बाल वाल नोच रहा होता है बड़े अच्छे तरीके से पैट के उसके बाद ये दोनों भी घबरा जाते हैं उसके बाद पैट तो घबरा के प्ली को फटाफट से एक्सप्लेनेशन देना चालू करती है कि इसको बुखार आ गया था रात को और मैं यहाँ पे इसकी बॉडी वगैरह वाइप कर रही थी इसलिए मैं यहीं पर मेरी पता नहीं कम लग गई ऐसे ऐसे वो डर डर के उसको एक्सप्लेनेशन दे रही होती है प्ली कहती है अच्छा हटो साइड में देखती हूँ कि क्या हुआ है इसको तो वो जब विन को चेक करती है तो विन को अभी भी बुखार होता है तो तो उससे कहती है कि तुम पहले यहाँ पे हॉस्पिटल चलो और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा ऐसे बच्चों की तरह झगड़ रहे होते हैं कि तुम हॉस्पिटल चलो तो यहाँ पे जो पैट और वैक होते हैं वो इन दोनों को साथ में देख करके ना थोड़े से यहाँ पे जेलिस जेलिस से दिखाई दे रहे होते हैं यहाँ पे वैंक और पैट दोनों के चेहरे पर जेल्स दिखाई दे रही होती है मैं जो यहाँ पे प्ली होती है वो विन की माम को बता दीती थी कि भाई ऐसे ऐसे विन को बुखार बुखार आ गया है तो उसकी माम तो कुछ सुनती नहीं है वो कहती है कि ठीक है ठीक है मैं वहाँ पर आ रही हूँ अभी नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो विन की मॉम होती है वो वहाँ पे गेस्ट हाउस में पहुंच जाती हैं वो पीछे से गलती से वैंग को विन समझ के हक कर लेती है और कहती है बेटा तुम्हारी तबीयत अब कैसी है और यहाँ पे जो वैंग होता है वो बिल्कुल चौक जाता है उसे लगता है कि उसकी माँ ही यहाँ पे आ गई है वो पीछे मुड़ता है तो फिर यहाँ पे विन की मॉम कहती है कि गलती हो गई बेटा मुझे लगा विन है यहाँ पे तुम कौन तो वैंग यहाँ पे बताता है कि वो वैंग है विन का दोस्त है और विन ऊपर रूम में है आपको मैं ले जाता हूँ आंटी उसके पास तो वो कहती है थैंक यू बेटा नेक्स्ट सीन में यहाँ पे सबको डाइनिंग टेबल पे दिखाया जाता है और जो विन की मॉम होती है काफी ज्यादा ध्यान रख रही होती हैं साथ में वो वैंग से भी कहती हैं कि बेटा वैंग तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मम्मा रोज को बता देना अब वो मम्मा वर्ड सुन के कहता है मम्मा तो यहाँ पे प्ली और पैरफ्यूजन दूर करती हैं कहती हैं कि थाईलैंड में जो जो भी हमारे दोस्त की माँ होती है उनको भी ही बुलाते हैं जो यहाँ पे प्ली होती है वो बताना स्टार्ट हो जाती है कि इसे मिर्ची वाले खाना अच्छा नहीं लगता है कि इसे यहाँ पे नट से एलर्जी है तो आंटी कुछ सोचने लगती हैं तो विन यहाँ पे पूछता है कि क्या हुआ मम्मा तो आप टेंशन में लग रहे हो तो बोलती है नहीं बेटा अब मैं बस यही सोच रही थी कि जो नट्स एलर्जी होती है बहुत ज़्यादा रेयर होती है और मेरे किसी दोस्त को भी यहाँ पे नट्स एलर्जी हुआ करती थी उसके बाद यहाँ पे जो उनकी माम होती हैं वो वापस जाने लग रही होती हैं और उधर से यहाँ पे एंट्री हो जाती है प्ली के डैड की और अंकल जी के दिल में तो घंटियाँ बजे लगती हैं आंटी जी को देख के जैसे कि हम जानते हैं ये सभी और यहाँ पर अंकल जी आंटी जी के सामने कुछ बोल ही नहीं पाते हैं और उधर से विन की माम नमस्ते वमस्ते करके वहाँ से निकल जाती है आंटी के जाते ही यहाँ पर जो पी के फादर होते हैं वो चिल्ला के बोलते हैं अरे नंबर तो दे जाती अभी अगले सीन में अंकल सीधे पहुँचते प्ली के पास और उसे कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी नई मॉम ढूंढ ली है तो वो प्ली है, क्या कह रहे हो पापा बोलती है हाँ, वो विन की मॉम है ना वो मुझे तो यहाँ पे विन तुम्हारा बचपन का दोस्त है ना और मुझे उसकी मॉम पसंद भी आ गई है तो क्या हुआ तुम दोनों वैसे बचपन से साथ में ही हो ना तो एक काम करना अब वो तुम्हारा भाई बन जाएगा स्टेप ब्रदर बन जाएगा जो विन होता है वो से जा रहा होता है रूम से तो अंकल जी उसे पकड़ लेते हैं कहते बेटा तुम्हारा बुखार ठीक है बहुत ज्यादा स्वीट हो रहे होते हैं उसके साथ अभी तक तो उससे बहुत ज्यादा रूड होकर के बात कर रहे होते हैं अभी बहुत ज्यादा अचानक से स्वीट बनने होते हैं उसके बाद प्ली उन्हें जैसे तैसे करके वहां से निकालती है अब जो विन होता है वो प्ली से कहता है देखा आज अंकल जी मेरे साथ बहुत ज्यादा स्वीट हो रहे थे इसका मतलब कहीं तुम्हारे पापा को मैं पसंद पसंद तो नहीं आ गया हूं तुमसे मेरी शादी वादी तो नहीं कराने वाले मैं दमाद वमाद बनाने वाले क्या मुझे तो यहां पे प्ली कहती है दमाद का तो पता नहीं वो तुम्हें अपना बेटा जरूर बनाना चाहते हैं स्टेप्सन तो बोलते हैं क्या कह रही हो तुम तो कहते हैं हाँ उन्हें ना तुम्हारी मम्मी पसंद आ गई है तो यहाँ पे विन तो अलग कि आ जाता है कि कि उनकी हिम्मत कैसी मॉम को पसंद कर दी। कि अपने फादर को समझा लेना पापा से प्यार किया है और किसी से भी हाँ पे प्यार नहीं किया। वो डायलॉग हाँ अरे हटो मैं जा रही हूं। उसके बाद ये सब पैट देख रही होती है और पैट यहाँ के विन से कहती है कि तुम्हें बुरा इस बात का लग रहा है कि अंकल जी को आंटी जी पसंद आ गई इस बात का लग रहा है कि जहां तुम सोच रहे थे कि तुम प्ली के हस्बैंड बनोगे वहां तुम्हें उसका भाई बनाया जा रहा है तो वो कहते हैं कि तुम ना तुम तो अपने मुंह से उल्टा सीधे निकालोगे यहां पे भिड़ जाते हैं और फिर यहां पे पैट नाराज होकर के चली जाती है नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे विन की मॉम दिखाई जाती हैं जो कि एक अपना बॉक्स टाइप का खोल रही होती हैं और उसके अंदर से एक वो फ़ोटो निकाल के देख रही होती हैं अब सीन यहाँ पे पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि जो विन की मॉम होती हैं वो वेंग के फादर के साथ बहुत ज़्यादा खुश दिखाई जा रही होती हैं और यहाँ पर ये यह चीज़ क्लियर हो जाती है कि वेंग जिसे ढूंढने आया है यानी कि उसकी मॉम वो कोई और नहीं विन की ही मॉम है यानी दोनों की मॉम यहाँ पर एक ही है और यहाँ पर वो सोच रही होती हैं कि कैसे उनके पहले प्यार को भी यहाँ पर नट्स से एलर्जी थी और उन्हें भी स्पाइसी फूड पसंद नहीं था और यहाँ पे वो सोच रही होती है उसके बाद फोटो निकाल के कहती है कि तुम और मेरा बेटा पता नहीं कैसे हो गए मेरे बिना सीन चेंज होता है यहाँ पे और हर एपिसोड की तरह यहाँ पे पैट और जो विन होते हैं वो इनडायरेक्टली उन्हें पता नहीं होता है और चैटिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पे पैट पूछती है विन से कि तुमने अपने क्रश के साथ यहाँ पे बोट वगैरह बहाई फेस्टिवल पे तो वो कहते हैं भाई उस बुरे मुंह वाली लड़की की वजह से सब कुछ बेकार हो गया और मुझे बोट भी उसी के साथ यहाँ पे बहानी पड़ी तो वो कहती है कि ऐसा तो नहीं है कहीं तुम्हें तो उस लड़की से प्यार व्यार हो गया है तो वो कहता है अरे तुम मेरी कहाँ सेटिंग करा रही हो उस लड़की के साथ पहले तुम अपनी फीलिंग तो देख लो तुम बताओ तुमने किसके साथ फेस्टिवल बनाया तो वो कहती है कि हाँ मेरे साथ भी कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई और मुझे ना उसी लड़के के साथ यहाँ पे बैड माउथ वाले लड़के के साथ फेस्टिवल मनाना पड़ा पर आज उसने मेरी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प भी की थी आगे के सीन में जो वैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है

से मुझे मोटिवेशन मिल जाए और कमेंट में भी बता दिया करिए कि आपको कैसा लगता है यहाँ पे मेरा एक्सप्लेनेशन चलिए फिर से मिलेंगे हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट के साथ बहुत जल्द